না তোমাদের অ্যানিভার্সারি গিফট একটু লেট হলো ওপেন করে দেখো अच्छा आशी ना होना अच्छे ये देखिए पानी पूरी खाने के लिए एकदम पहले ही जाके यहाँ पे रेडी होके खड़ा है ये वाला काउंटर में आते ही हम दोनों का लड़ाई हो जाता है अभी तक आइसक्रीम लेने वाले थे इस टाइम तक लेने नहीं दिया मुझे गुड मॉर्निंग एवरीवन ये देखिए आज मेरा ये पिंक वाला हिबिस्कस में कितने सारे फ्लावर्स आए हैं यहाँ पे नीचे एक है और ये देखिए यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है एक ही पौधे में तीन तीन फूल एक ही दिन में मतलब समझ सकते हो कितना आज का मॉर्निंग गुड है और यहाँ पे भी काफ़ी सारे कलियाँ आई है जो कि धीरे धीरे खिल जाएगी मोस्ट प्रोबेबली कल ही खिल जाएगी और ये वाले पौधे पे आए हैं दो छोटे छोटे साइज़ के रेड जबा यहाँ पे एक है और ये देखिए यहाँ पे एक है और इधर दो तीन नयनतारा आया है दैट्स इट। आज का ब्लॉग मैं थोड़ी सी लेट ही स्टार्ट कर रही हूँ सुबह तो वैसे हम लोग बहुत जल्दी उठ गए थे लेकिन आज ना वेदर इतना अच्छा है देखिए मैं खिड़की के सामने बैठी हूँ और इतनी अच्छी हवा चल रही है मेरे बाल से तो पता चल ही रहा है और ये देखिए मेरा विंड चाइम जो है लगातार मीठी सी साउंड कर रही है बहुत मस्त हवा चल रही है बहुत अच्छी वेदर है एकदम क्लाउडी क्लाउडी सा है ऐसा लग रहा है कि बारिश आने ही वाली है तो वही सुबह से थोड़ी देर हम लोग बैठे बैठे ऐसे नॉर्मल डिस्कशन कर रहे थे क्योंकि इसी हफ्ते में हमारी कार आने वाली है तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा हम लोग एक्साइटेड थे तो मैंने सोचा कि चलो मौसम भी अच्छा है सब कुछ सॉर्टेड है आज इतना लंच बनाने का कुछ मतलब वो है नहीं इतना कुछ आज लंच में बनाऊंगी नहीं बहुत ही सिंपल सा कुछ बनाऊंगी तो आराम से थोड़ा सा टाइम लेके ब्लॉग स्टार्ट करूंगी सो चलिए अभी किचन में लंच में मैं आज क्या बना रही हूँ वो मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा वड़ी मैंने फ्राई कर लिया है ये देखिए घर का वड़ी जो पापा लाए थे ना और यहाँ पे चार अंडा मैंने बॉयल कर लिया था और उसको थोड़ी सी तेल में नमक हल्दी डाल के फ्राई कर लिया है और यहाँ पे है सारे वेजिटेबल्स डाल के एक कड़ी आलू गाजर बैंगन फूलगोभी और कच्चा केला है पपीता है सब कुछ डाल के थोड़ी सी अदरक पेस्ट डाल के ये कड़ी मैं बना रही हूँ और इसमें मैं डाल दूँगी ये फ्राई किया हुआ अंडा और वड़ी। लंच आज मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल रखा इस वजह से कि कल तो आप लोगों ने देख ही लिया कि रेस्टोरेंट में इतना कुछ खाना पीना हो गया था इतना रिच हेवी सब कुछ खाए थे तो आज सोचा कि एकदम हल्का पतला सा ही बना लेते हैं सब कुछ क्योंकि पेट खराब है ऐसा कुछ नहीं है बस ऐसे ही होता है ना दो दिन से लगातार हम लोग खा रहे थे ये वो फ्राइज़ वगैरह सब कुछ तो इसीलिए सोचा कि आज का लंच एकदम सिंपल रखते हैं और वैसे भी घर पर सारे वेजिटेबल्स ना थोड़े थोड़े करके थे तो फिर मैंने एक बार सोचा कि खिचड़ी बना लेती हूँ सारे वेजिटेबल्स खिचड़ी में डाल देती हूँ फिर सौरभ ने बोला कि नहीं खिचड़ी छोड़ दो तुम नॉर्मल एक सारी सब्जी मिला के एक अंडा डाल के एक कड़ी जैसा बना लो पतला सा तो वो हेल्दी भी होगा। आज रात के टाइम पे मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट लूंगी इसीलिए स्पेशली मैंने आज दोनों टाइम का खाना बना के रखी हूँ अभी देखते हैं क्योंकि लास्ट मोमेंट में भी हमारा प्लान चेंज हो जाता है ना कभी कभी मैं ऐसा सोच के दोनों टाइम के लिए खाना बना के रखती हूँ कि अरे रात के टाइम पे रेस्ट करूँगी टीवी देखूँगी फिर अचानक से प्लान में कुछ चेंजेस आ जाता है सौरभ बोलता है कि नहीं वो खाना नहीं खाना है कुछ अलग बना के दो या तो फिर कुछ ऑर्डर कर लो ये वो तो अभी तक के लिए तो इतना ही फाइनल है कि नहीं दोनों टाइम हम लोग सेम ही खाना खाएंगे अभी देखते हैं रात तक भाई साहब का अगर मूड चेंज होगा तो वो अलग बात है। तो यहाँ पर मैंने खाना लगा लिया है चावल नींबू और यहाँ पे है पतला सा जो कड़ी मैंने बनाया है वो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है और बाकी का कढ़ाई में अभी भी रह गया है क्योंकि मैंने दोनों टाइम के लिए बना लिया है ना तो ये रख दूँगी डिनर के लिए। टाइम भी काफ़ी हो गया है कितना हुआ है अभी टाइम ये वाला घड़ी ना बीच बीच में बंद हो जाता है उल्टा पुल्टा टाइम दिखाता है इसलिए मैं इसमें बिलीव नहीं करती हूँ अभी टाइम हो रहा है 1:10 टाइम है अभी भी तो और आधा घंटा बाद हम लोग आज लंच करेंगे 1:30 बजे के आसपास लंच करने के लिए बैठेंगे। ऑलमोस्ट 2:30 बजने
को है, नहीं 2:30 बज गया है, 2:35 हो रहा है। तो यहाँ पे मैं अभी थोड़ी सी रेडी हो गई हूँ, हम लोग जा रहे हैं बाहर। कल के व्लॉग में शायद आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा कि हम लोग शर्मिता और रितेश भैया के एनिवर्सरी में मस्ती तो किए हैं, डिनर पार्टी में भी गए थे, लेकिन कुछ गिफ्ट दिए नहीं क्योंकि उस दिन घर पे वो लोग थे और हम लोग बिजी भी थे थोड़ा सा, तो उस दिन और पॉसिबल नहीं हुआ कि बाहर जाके गिफ्ट खरीद के लेके आना। इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है चलो, वो लोग तो यहीं पे है, कहाँ भाग के जा रहे हैं, तो दे देंगे धीरे धीरे। तो आज हम लोग थोड़ा सा जा रहे हैं लंच वंच करके बाहर, थोड़ा सा हमारा कुछ पर्सनल काम भी है, एक दो सामान खरीदना है, और उसके साथ शर्मिता और रितेश भैया के लिए एक गिफ्ट भी लेके आएंगे उन लोगों के एनिवर्सरी के लिए। मैं तो रेडी हो गई हूँ, भाई साहब शायद रेडी नहीं हुआ है क्या? डन, आओ जल्दी बैग ले लो। तो आज मैडम को मैंने भेजा था ये क्या बोलते हैं हेलमेट लाने के लिए, लेके आ गए। मेरा बुराई चल रहा था क्या? हाँ तुम्हारा ही बुराई चल रहा था। थोड़ा सा कहीं मास्क क्या मिला? मास्क कहाँ है? मास्क किधर ही है, मास्क लेके आई हूँ, हेलमेट ही लाना भूल गई। बहुत अच्छा है, लास्ट टाइम मुझे भेजी थी, आज तुम्हें मैंने भेज दिया। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, ये हेलमेट की वजह से ना कुछ भी हेयर स्टाइल नहीं कर पाती हूँ, कुछ भी हेयर स्टाइल करो उसके बाद फिर हेलमेट पहन लो, पूरा हेयर स्टाइल ही खत्म। ज्यादा दिन आने का जरूरत नहीं है ना, हेलमेट पहनने का जरूरत नहीं है ज्यादा दिन। हाँ, गाड़ी आने वाला है। हाँ, गाड़ी आ जाएगी तो इस टाइम पर हेलमेट नहीं पहनना पड़ेगा, मैं आराम से कुछ भी हेयर स्टाइल करके जा सकती हूँ, है ना। और ड्रेस का भी कुछ ये नहीं है कि नहीं ये ड्रेस पहन के मैं स्कूटी में नहीं बैठ सकती हूँ, अनकम्फर्टेबल फील होगा, ये वो उसका भी झंझट सॉल्व हो जाएगा, है ना। वी आर जस्ट वेटिंग कि हमारी गाड़ी कब आएगी, और मतलब सहा नहीं जा रहा है, लग रहा है कि कब आएगा, आ जाएगा ना जल्दी। जाने वाले थे डी मार्ट में, लेकिन वहाँ पे इतना भीड़ था, वहाँ से हम लोग अभी आ गए हैं रॉयल मार्ट में, और यहाँ पे कुछ कुछ सामान तो लेना हुआ है। भाई साहब अभी आ गए हैं उनका फेवरेट काउंटर में, मैं यहाँ पे आइसक्रीम उठाने वाली थी, आइसक्रीम मुझे लेने नहीं दिया, और देखिए खुद फ्रोजन फूड सारा ले रहा है जो कि उसका फेवरेट है। हाँ ये सही बात है क्या? बहुत सही। क्या ले रहे हो दिखाओ? चिकन का कुछ है। वो सारे तला हुआ चीज़ें मत लो ना, अच्छा नहीं लगता। सौरभ जब भी आता है ना ये वाला काउंटर में आके रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारे टेंटिंग चीज़ें मिलती है, चिकन फ्राई, चिकन पॉपकॉर्न, नगेट्स, सारे जो डीप फ्राई करके खाना होता है वो यहाँ पे मिलता है। मुझे कुछ लेना ही नहीं है, तुम्हें जो मन चाहे वो तुम ले लो, बिलिंग के टाइम पे मैं उठा के दोबारा रखने वाली हूँ, ठीक है, ये घर पे लेके नहीं जाऊँगी। ये वाला काउंटर में आते ही हम दोनों का लड़ाई हो जाता है। अभी जब मैं आइसक्रीम लेने वाली थी उस टाइम पे तो लेने नहीं दिया मुझे। ग्रॉसरी लेना हो गया है ये देखिए, और सौरभ अभी यहाँ पे गया है स्कूटी ले आने के लिए। दो बैग स्कूटी में आएगा कि नहीं ये मुझे थोड़ा सा डाउट है। मुझे दो बैग आंट पे को दो बैग आंट पे ये देखिए, पानी पूरी खाने के लिए एकदम पहले ही जाके यहाँ पे रेडी होके खड़ा है। कोलकाता वाला फील तो नहीं आता है सच बोलूँ तो यहाँ के पानीपुरी में, लेकिन हाँ उसके बावजूद भी थोड़ा सा बीच बीच में खाना अच्छा लगता है, लेकिन टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कत कर दीच कितना करते प्लेट है? 6 पीस या 8? 7 पीस। 7 पीस। कैसे है? अच्छा लग रहा है। मैं जितना भी पानी पूरी खाऊँ मेरा तो कोलकाता का टेस्ट फेवरेट है, वहाँ का कोलकाता का टेस्ट को कहीं पे भी बीट नहीं कर सकता है। चलो ये भी अच्छा है, इतना भी बुरा नहीं है। ये भैया यूपी का ही है ना, तो ये प्रॉपर वो यूपी वाला पानी पूरी का टेस्ट आ रहा है। हम लोग मैक्सिमम इसी भैया से खाते हैं। और कितना खाओगे? मेरा एक प्लेट हो गया, एक प्लेट में 7 पीस पानी पूरी आता है 20 रुपये का, मेरा ख़त्म, मैं यार नहीं खा पाऊँगी, तीखा था काफ़ी ज़्यादा। सौरभ का शायद तुम्हारा सर दूसरा प्लेट चल रहा है ना? कितना हुआ? दो प्लेट हो गया। दो प्लेट हो गया, बस बस। और खाना है? खाने का मन तो है।
एक सजाने के लिए है घर का डेकोरेशन के लिए, तो यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, मतलब ये पेयर में आता है। अभी इसको मैं गिफ्ट रैप करवाऊंगी। हैप्पी एनिवर्सरी लिख दूँ। गिफ्ट अभी अभी हम लोग देने जाएंगे रितेश भैया और शर्मिता को, तो इसलिए हम लोग और ऊपर नहीं जा रहे हैं, एकदम उन लोगों को गिफ्ट देके उसके बाद ही ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ग्रोसरी का सामान जो है ना, ये अभी हमारा जो दीदी है सिक्योरिटी गार्ड जो है, हाँ, उनके घर पे रख के हम लोग जाएंगे उनके घर। उसके बाद उनके घर से आके दोबारा सारा सामान लेके हम लोग चले जाएंगे ऊपर। इससे क्या होगा ना, टाइम सेव हो जाएगा, नहीं तो फिर सारा सामान रखने के लिए दोबारा ऊपर जाओ, फिर नीचे आओ, फिर उनके घर जाओ। तो इससे अच्छा है कि सारे चीज़ें यहीं पे रख के हम लोग उनके घर से घूम के आ जाते हैं। देखिए सौरभ क्या कर रहे हैं, सौरभ यहाँ पे ना सारे बच्चे साइकिल चला रहे हैं, तो सौरभ सबके साथ यहाँ पे रेसिंग कर रहा है। हमारा बेसमेंट इतना बड़ा है ना कि सारे बच्चे यहाँ पे साइकिल भी सीखते हैं, और सौरभ हमेशा ऐसा करता है बच्चों के साथ आसपास उन लोगों के घूमते हैं, और वो लोग भी साइकिल चलाते हैं और सौरभ भी उन लोगों को चिढ़ाते हैं। चलो हुआ, मेरा हेलमेट रख दो ना, हेलमेट ले जाके क्या करूँ। सो यू ऑल बच्चा पार्टी नीड हर ऑटोग्राफ। My goodness, lot of bachcha party you have, lot of fans of bachcha party fans. There is not display tray, someone hold this. Sir, you know, mere liye totally surprise hai, I am literally telling you. No, we already have. Oh, you already have. That's nice. रितेश भैया और शर्मिता को पता नहीं है कि हम लोग उनके घर पे जा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए टोटली सरप्राइज विजिट है। उससे भी अच्छा लगा मुझे बच्चा पार्टी से मिलने। पहले एक दो बच्चा आ गया मुझे पहचान के, ठीक है, मुझे पता ही नहीं था कि यहीं के आसपास इतने सारे लोग, उनके घर वाले मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, मुझे नहीं पता था। फिर अचानक से दो तीन बच्चे से एक साथ 8-10 बच्चा आ गया, और सब लोग पेन पेपर लेके आ गए कि आंटी आपका ऑटोग्राफ दो। अब मैं सेलिब्रिटी थोड़ी ना हूँ कि उन लोगों को ऑटोग्राफ दूँ, लेकिन वही बच्चा पार्टी बोल रहे तो सुनना तो पड़ेगा ही, है ना। बच्चे लोगों का ज़िद कभी भी टाल नहीं सकते, तो उन लोगों को ऑटोग्राफ वगैरह दे दिया, सबसे बातचीत हुई। सब लोग इसी एरिया में रहते हैं, हमारे इस एरिया में ही 100 मीटर के आसपास ही, लेकिन मुझे इतने दिन से पता ही नहीं था कि ये लोग मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। एनीवेज सौरभ कहाँ गया, ओ भाई लेट हो गया है, और मुझे पानी प्यास भी लगी है काफ़ी ज़्यादा। चलो जल्दी, बहुत तेज़ पानी प्यास लगी है, हमने रास्ते में नारियल पानी भी पिए हैं, उसके बावजूद भी मुझे पानी प्यास लग गई है। रितेश शर्मिता ना शौक हो जाएंगे और डांटेंगे भी, बोलेंगे कि तुम लोग क्या पराई लोग हो कि हमारे लिए गिफ्ट लेके आए हो। चलो उनके घर पर जाके तो पानी पीऊँगी पहले, लेकिन बैठना नहीं है, ठीक है, जाएंगे और तुरंत घर वापस आ जाएंगे। आसमान देखिए कितना अच्छा लग रहा है, क्या हो गया, चलो क्या पी रहे हो आप? मैं पी रहा हूँ मिश्री पानी। श्योर श्योर ना, मानो से हाय। तुम यहाँ तो मोटर फोटो नहीं बसे आज ना गो ए ना, तुम्हारे एनिवर्सरी गिफ्ट एक टू लेट हलो, ओपन करो देखो। अच्छा आशी ना मना हे, शर्मिता को देखिए ऑफिस का काम कर रही है और मटर लेके बैठी हुई है, मटर छिलते छिलते ऑफिस का काम कर रही है वो। पनीर बनेगा, वाओ मटर पनीर क्या। तो ये देखिए, ये है शर्मिता का गिफ्ट, दुकान में तो अच्छे से मैं दिखा नहीं पाई थी। पसंद आया? हाँ, आपको पसंद आया? हाँ, ये मेरे को ऐसा लग रहा है वो जो चेहरे पे लगा देंगे। अच्छा, नॉन बंगाली के शादी में जो लगाते हैं, शादी में लगाते हैं वो पगड़ी के साथ जो नीचे आता है। हाँ सुंदर है ना, मुझे तो बहुत पसंद आया था, और थैंक यू, इसीलिए मुझे लगा कि शर्मिता को भी पसंद आएगी। तो अभी हम लोग आ गए हैं घर, अच्छा ही गया हमारा आज का पूरा दिन, शॉपिंग भी हो गया, साथ में शर्मिता और रितेश भाई के लिए गिफ्ट भी ले लिए हैं, पानी पूरी भी खाया, नारियल पानी भी खाए, सॉरी पिए, बंगाली में खाना होता है तो मैं बार बार खाना ही बोलती हूँ, नारियल पानी भी पिए। अभी घर आके बस ड्रेस वेस चेंज करूँगी, थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँगी, और फिर डिनर विनर बनाऊँगी, टीवी देखूँगी थोड़ा सा, दैट्स इट।
अभी सारे ग्रॉसरी को सैनिटाइज करूंगी, उसके बाद फिर अपने अपने जगह पे सारे चीज़ों को सजा के रखूंगी। तो चलिए आज इस ब्लॉग को यहीं पे अभी एंड करते हैं, कल मिलेंगे सुबह सुबह और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए और स्माइल कीजिए। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।